लंका में सीता मैम क्या कहना चाहेंगी सबसे पहले इस फिल्म के बारे में? सबसे पहले भोजपुरी बातें देखने वाले सभी दर्शकों को ऋतु सिंह का प्रणाम। और लंका में सीता आज उसका ट्रेलर लॉन्च है और कहूँगी कि बहुत अच्छी बहुत प्यारी फिल्म बनी है। आप सब जाके अपने YouTube चैनल पे देखिएगा, ज़रूर क्लिक कीजिए और बताइए कि कैसी लगी। किस तरह का कैरेक्टर है आपका इस फिल्म में? लंका में सीता जो सीता कैरेक्टर है वो मैं कर रही हूँ और बहुत सिंपल सा और सुलझा हुआ कैरेक्टर है। बहुत चुलबुला कैरेक्टर भी है, जब वो हंसाएगा गुदगुदाएगा और एंटरटेन करेगा। ये साउथ के डायरेक्टर ने इसको शूट किया है और कितना डिफरेंट है भोजपुरी के डायरेक्शन में काम करना, साउथ के डायरेक्शन में काम करना, कितना डिफरेंट था, कैसा एक्सपीरियंस था, कुछ बताइए। एक्सपीरियंस क्या होता है कि एक डायरेक्टर जब नए फिल्म मेकर के साथ काम करते हैं तो उनका स्टाइल नया होता है, कुछ इम्प्रोवाइजेशन मतलब खुद से कुछ चीज़ें ऐड करके किरदार में करना, कुछ लोग चाहते हैं कुछ लोग नहीं चाहते हैं। लेकिन सुबह सर के साथ ऐसा था कि उनका सब कुछ प्लान था ऑलरेडी, उनको कट टू कट जो वर्ड्स चाहिए था, जो डायलॉग्स चाहिए था, उनको एग्जैक्ट वही चाहिए था। तो कट टू कट वो राइटर भी है इस फिल्म के, हालांकि तो इन्होंने जैसा उन्होंने स्टाइल दिया है फिल्म में आपको देखने को मिलेगा, जो बहुत बखूबी खूबसूरत है। नो डाउट कुछ चेंज नजर आया भोजपुरी के डायरेक्शन में और साउथ के डायरेक्शन में? क्या चेंज होता है? कुछ चेंज नहीं होता है। आप साउथ का एक ग्राफ अलग है, वही बता रही हूँ मैं कि ग्राफ और स्टाइल मिलता है आपकी फिल्म को, चाहे वो साउथ सुबह सर ने अपना स्टाइल दिया है फिल्म को, अपने स्टाइल में फिल्म बनाई है, तो आपको एक फिल्म स्टाइल में एक होता है ना, एक बैकग्राउंड मिल जाता है, तो दैट्स द स्टाइल। तो आप साउथ स्टाइल में फिल्म में आपको एक्शन देखने को मिलेगा, गाना सीन करने का फ्रेमिंग डिफरेंट मिलेगा, तो वो अलग है जो वही साउथ स्टाइल में पैटर्न में बना हुआ है। लंका में सीता कुछ यूनिक नाम है, ये किसने सजेस्ट किया? सजेस्ट ये फिल्म मेरे पास आई थी और लंका में सीता तो ऑलरेडी डिसाइडेड था, उनको ये ट्रेलर मिल चुका था, ये टाइटल मिल चुका था, तो ये इम्प्रेसिव है नो डाउट और बहुत सिंपल है, बहुत पौराणिक हमारी ये बातें हैं। रामायण का एक हिस्सा है लंका में, लंका रामायण का हिस्सा है, सीता रामायण के हिस्सा है, तो वहीं से लिया गया है, अडेप्ट किया गया है, उसको पिरोया गया है अपने स्टाइल में। तो सिनेमा अगर वही है जो पारिवारिक फिल्म बने और फुल एंटरटेनमेंट हो, जो आपको हंसाए गुदगुदाए थोड़ा रुला जाए थोड़ा सा अपनी छाप छोड़ जाए, दैट्स कॉल लंका में सीता। लगता है सीता का कैरेक्टर आप निभा रही हैं इस फिल्म में। जी कितना चैलेंज था इस कैरेक्टर को निभाना आपके लिए? सीता का कैरेक्टर हाँ हो जाता है, लेकिन सीता का कैरेक्टर निभाना जिसको पूरी दुनिया फॉलो कर, बिल्कुल बिल्कुल डर तो रहेगा क्योंकि सीता माता हम मानते हैं, हम पूजा करते हैं और वो किरदार अपडेटेड है और फुल एंटरटेनमेंट एक फिल्म में हीरोइन है, तो वो किरदार को मेंटेन करना कुछ ऐसी चीज़ें, हालांकि मैं ड्रेसिंग फुल ऑन वैसा ही है फिल्म में, पूरी फिल्म में मैंने इंडियन पहना हुआ है क्योंकि फिल्म है तो फिल्मी लिबर्टी लेते हुए हमने गाने में कुछ वेस्टर्न डाला हुआ है। लेकिन सीता जब हमने नरेट किया गया था, सर ने मुझे किया था, तो मैं बहुत डर रही थी कि कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए और इस किरदार को मैं निभा पाऊंगी कि नहीं, बट बहुत साधारण बहुत शालीनता के साथ बहुत सोफेस्टिकेटेड कैरेक्टर है, तो बहुत करने में अच्छा लगा और डिफरेंट मज़ा आया। आंध्र प्रदेश में शूटिंग हुई है, यानम एक जगह है, तो वहाँ पर शूटिंग हमने कराया। हाँ तो कितना चेंज है इस फिल्म में और जो भोजपुरी फिल्में होती हैं उसमें और इसमें कितना चेंज है? देखिए सुबह सर आज की डायरेक्टर नहीं है, सुबह सर बहुत पुराने डायरेक्टर हैं और उन्होंने काफ़ी फिल्में कर रखी हैं, दिनेश जी को लेके और परवेश लाल जी को लेके काफ़ी फिल्में उन्होंने की हुई है, अमृतपाली जी को लेके, तो इनका अपना एक स्टाइल है। मैं फिर से बोल रही हूँ भोजपुरी से ही है, उन्होंने भोजपुरी पहली फिल्म नहीं करी है, और लंका में सीता आपका मैं बता दूँ साउथ में भी रिलीज़ होने वाली है और भोजपुरी में भी रिलीज़ होने वाली है, तो एक दोनों एक बहुत एक लैंग्वेज है, एक अपना एक जो क्या बोलते हैं एक अपने ट्रेडिशन को जो दिखा रहा है प्रेजेंट कर रहा है वो लैंग्वेज है, तो बस बोलूँगी कि आप वेट एंड वॉच।
ये तो सीन भोजपुरी से हटके भी किसी अदर रीजनल फिल्मों में या हिंदी फिल्मों में या साउथ फिल्मों में नजर आएंगे? अभी हाँ, वेब सीरीज मैंने करी है, सैया मगन पहलवानी में आपका केस सिरा सिरा से रिलीज है हंगामा प्ले पे, और थोड़ी सी शादी कर ले भी रिलीज है हंगामा प्ले पे, सब बता दूँ मैं आपको, जिसके आपके विजय के सैनी डायरेक्टर हैं एंड विजय जी इस फिल्म के जो मेकर हैं इस वेब सीरीज के, तो आप वेब सीरीज में भी कर रही हो और क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन भोजपुरी में वेब सीरीज बन रही है, भोजपुरी में भी करेंगे और बाहर भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। कैरेक्टर है जो आपको मिले और आप करें, एक होता है कैरेक्टर की लाइफ में एक आर्टिस्ट की ख्वाहिश होती है ऐसा कैरेक्टर मिले तो आप या किसी की बायोपिक या कुछ भी, जैसे किसी ने बहुत सारे किरदार हैं यार, बहुत सारे हैं जो अभी तक आए ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे किरदार हैं, जैसे एक्शन को उठा लीजिए, कॉमेडी को उठा लीजिए और साइलेंट उठा लीजिए, बहुत सारे किरदार हैं फिल्में करने के लिए, तो मेरी भी है, मैंने कभी करा नहीं है, कर रही हूँ, आगे से कई किरदार हैं जो मैंने कभी किया ही नहीं है, तो करेंगे। और हाँ बिल्कुल, मैं बहुत मुझे बायोपिक मिलेगी तो ज़रूर करूँगी, मेरा सौभाग्य होगा। हाँ नहीं, बहुत सारे मैंने इवन बहुत सारे लोग हैं, नेता हो या कोई, हाँ पॉलिटिशियन हो या कोई ऐसा कह सके हैं जो हमारे देश के लिए जिन्होंने कर्तव्य निभाया है, जिसका इम्प्रेसिव कैरेक्टर है ऑल ओवर हमारे, तो चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ये हमारा फुल नेगेटिव ना हो, सबको ध्यान में रखते हुए करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। बायोपिक जैसे गंगूबाई आई थी तो करेंगे ऑब्वियस, लेकिन अभी मैं कुछ कह नहीं सकती बिकॉज ये है कॉल मेकर्स का, तो लेट सी कि उनका जैसा कॉल आता है मैं करूँगी सोच समझ के। नहीं अभी सोचा नहीं है, बट लेट सी, मैं बहुत सडन प्लान करती हूँ, ये भी है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। आप आइए फिल्म देखने, बिकॉज ये फैमिली ड्रामा है और फुल एंटरटेनमेंट है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि क्योंकि आप फैमिली अगर फिल्म देखना चाहते हैं, परिवार के साथ फिल्म, एक साफ सुथरी फिल्म देखना चाहते हैं जो आपको गुदगुदाएगी, एंटरटेन करेगी, हंसाएगी, और अगर फुल एंटरटेन होना चाहते हैं तो एक बार ये फिल्म जरूर देखिए, उसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिए कि फिल्म कैसी बनी है, और फिर सबके साथ मिलकर एक बार और देखिए। थैंक यू।